नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताए थे। हम लोग ने देखा कि वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक मतलब अगर आप देखो तो डाउन साइड का एक करेक्शन आ गया है। अभी लास्ट वीक निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट फॉल हो चुकी है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूंगा तो समवेयर अराउंड 6% फॉल हुआ है और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 7% मतलब 2100 पॉइंट्स का करेक्शन दे दिया है। अभी मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, गुड इन्वेस्टर वेट फॉर बुल मार्केट और ग्रेट इन्वेस्टर वेट फॉर बेयर मार्केट। एक्चुअली अभी कोई बेयर मार्केट नहीं चल रहा है, बट अभी जो मार्केट में फॉल हुआ है ना उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपने ब्रेकआउट टाइम पे मिस कर दिया था, तो वापस ये रीटेस्ट लेवल आ रहा है। मतलब वो जो ब्रेकआउट लेवल है उसको वापस से ये स्टॉक रीटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ब्रेकआउट में वो स्टॉक्स को मिस कर दिया था तो अभी ये टाइम ऐसा है जहां पे आप वो स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। तो ये एक चीज है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रीटेस्ट वाले स्टॉक शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसने इंट्राडे में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे को, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी स्टॉक शेयर कर दूंगा जो आप लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसने वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो वो भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी देखो जनरली ऐसे मार्केट में क्या होता है ना कि मैं जनरली ब्रेकआउट ट्रेड्स को अवॉइड करता हूँ, पर आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ब्रेकआउट स्टॉक्स शेयर करने वाला हूँ ना वो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आज के वीडियो में खास वो स्टॉक्स को रखा है। और आप लोगों के साथ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करूंगा जो आने वाले वीक में मुझे लग रहा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि वो सारे स्टॉक्स क्या है और आने वाले वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मुझे क्या लग रहा है। तो आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को बोला था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 14,600 था। अभी जैसे 600 तोड़ दिया उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया, ऑलमोस्ट मार्केट ने 14,350 का लो मार दिया। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि यहाँ पे जो बजट दिन वाला जो गैप अप था, अगर ये मार्केट फॉल दे देता है तो फिर ये बजट डे का जो गैप अप है वो वाला जोन हम लोगों के लिए एक आने वाले टाइम में सपोर्ट बनेगा। और हम लोग ने देखा कि एग्जैक्टली फ्राइडे मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया, ऑलमोस्ट 14,350 का लो मारा, उसके बाद निफ्टी ने वापस से रिकवर कर लिया और 14,740 के आसपास क्लोज हो गया। अभी आने वाले वीक में मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 14,880 का। उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला है 15,050 का। अगर 15,050 भी क्रॉस कर देगा तो हम लोग आने वाले वीक में एक लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं जो है 15,340। पर ये लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बताई ये स्टेप बाय स्टेप अगर कवर हो गए तो ही हम लोग एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए रेडी हो गए। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 14,480 का लेवल, उसके बाद अगेन 14,340 जो ये वाला जो अभी हम लोग ने देखा वो, और अगर ये वाला गैप एरिया भी ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग 13,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो ये था मेरा निफ्टी में एनालिसिस। आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो सिमिलर चीज हुई थी। मैंने आप लोगों को बोला था ये जो मैंने ब्लू कलर का जोन बनाया था, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेड कलर का जोन बना के मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये जो लेवल थे वो थे 34,680 के। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अगर ये सपोर्ट लेवल टूटेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और फिर हम लोग अगेन वो ही जो मतलब हमारा जो बजट दिन का जो गैप अप है वो लेवल देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ कि बजट दिन का जो गैप अप एरिया था वो पूरा फिल हो गया। अभी आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में मेरा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो अगेन ये जो जोन का जो सपोर्ट था वो मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो वो है 34,650। उसके ऊपर मेरा 35,590 और उसके ऊपर ये जो गैप का जो रेजिस्टेंस एरिया था वही मेरा नेक्स्ट लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, वो है 36,530 का। आने वाले वीक में जो एरियाज को हम लोगों को सपोर्ट लेवल देखने हैं उसमें से सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 35,590 का, उसके नीचे 33,290 जो हमारा ये गैप अप एरिया है, उसके बाद 32,600 और अगर 32,600 भी होल्ड नहीं किया तो 31,800 देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी वीकनेस होनी थी वो लास्ट वीक हो गई है। ये वाले वीक में मैं कोई भी वीकनेस नहीं देख रहा हूं। आने वाले वीक में मैं मार्केट को या तो साइडवेज देखूंगा या तो फिर अपसाइड जाते हुए देखूंगा। आज के लिस्ट में हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। अभी मैं आरती ड्रग्स लिमिटेड का स्टॉक बताने के पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि मेरे यहाँ पे जितने भी डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक देता हूँ उससे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसको मैं एक क्लोज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूँ। वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड क्यों करता हूँ कि एज अ कस्टमर आप मेरे क्लाइंट बनते हो वहां से अकाउंट ओपन करके, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टॉक्स का मतलब रिकमेंडेशन देते रहूं। तो हम लोगों ने फ्राइडे को मतलब आफ्टरनून के टाइम पे आप बोल सकते हो सेकेंड हाफ के टाइम पे मैंने आरती ड्रग का ट्रेड दिया था, उसको मैंने बोला था कि 710 के आसपास आप बाय करिए,
इसमें जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट 800 का था और सेम डे आरती ड्रग ने ऑलमोस्ट 786 का हाई मार दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ है, तो ये एक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये कुछ मतलब कंटिन्यूसली बहुत दिनों से आरती ड्रग जो है वो एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा था, जैसे उसने रेंज ब्रेक किया मैंने उसका ट्रेड दे दिया। अभी आने वाले वीक में आरती ड्रग का जो ऑब्वियसली मेरा टारगेट है वो 800 तो है ही है। और हम लोगों ने देखा कि मार्केट के बाद एक न्यूज आया जिसमें पता चला है कि आरती ड्रग वाले लोगों ने 1000 रुपीज पे बायबैक भी अनाउंस किया है। तो देखो ये न्यूज जो थी वो मार्केट के बाद आई थी, पर आरती ड्रग का ट्रेड हम लोगों को ऑलरेडी पहले ही पता चल गया था बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन। तो आने वाले वीक में आरती ड्रग भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 800 और 1000 लेवल्स के लिए, तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए, ये एक अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए आने वाले वीक में। हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अभी ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए मेरा रीजन क्या था ट्रेडिंग के लिए, अभी लास्ट वीक में मार्केट में इतनी वीकनेस थी पर ये स्टॉक ने ये जो 199 वाला लेवल है वो अभी तक नहीं तोड़ा था, मतलब पूरे लास्ट वीक में उसने 199 वाले लेवल को होल्ड करके रखा था। और यहाँ पे मैंने जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन बनाई है, ये रिसेंटली ये स्टॉक ने 214 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। अगर ये स्टॉक कंटिन्यूसली 214 के ऊपर रहेगा तो मेरा जो इसमें फर्स्ट टारगेट है वो 225 का है और नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो मेरा 240 का आसपास बन रहा है। इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 199 लेवल का। तो ये जो दोनों स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताई ये हमारे नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग के लिए आपको देखने चाहिए। अभी जो मैं लिस्ट में आगे दो स्टॉक्स आप लोगों को बताने वाला हूं वो बेसिकली एक ब्रेकआउट स्टॉक है, मतलब ऐसे वीक मार्केट में भी वो स्टॉक ने लास्ट वीक में ब्रेकआउट किया है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है इकरा लिमिटेड। अभी ये जो कंपनी है वो बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है, इनका फंडामेंटल्स भी मैंने चेक किया वो भी बहुत अच्छा है, पर लास्ट वीक में एक जो शॉकिंग चीज थी वो मुझे क्या दिखने मिला ना, अभी मैं आप लोगों को डेली चार्ट में बताता हूं। ये इकरा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम में 20% का सर्किट मारा, मतलब अगर आप ये कैंडल को देखोगे तो मैं इसको सुपर बुलिश कैंडल बोलता हूं। और अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली दो दिन से ये स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा था। अभी मैं आप लोगों को अगेन वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं, इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो मुझे 4000 और 4500 का दिख रहा है। अभी ये स्टॉक 3340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये स्टॉक ने 2800 का लेवल तोड़ दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। ये स्टॉक ने इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो मतलब अगर आप बोल सकते हो 2019 से एक रेजिस्टेंस था, उसको अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रांगली इसने इसको ब्रेक किया है। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है जिसने लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट में, उसका नाम है विधि डाइंग। अगर आप विधि डाइंग का चार्ट देखोगे तो अगेन ये विधि डाइंग को एक रेजिस्टेंस था कंटिन्यूसली 153-154 लेवल पे, उसने ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अगेन ये स्टॉक ने भी फ्राइडे को एक अच्छा खासा, अगर आप बोल सको तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट सर्किट पे ही बंद हुआ है। आप यहाँ पे डेली में देख सकोगे कि कितना स्ट्रांगली ये लेवल ने ब्रेक किया और उसके बाद ये स्टॉक ने एकदम सर्किट मार दिया और नीचे आप देख सकोगे कि वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है आने वाले वीक में ये रहेगा कि इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है ये 250-280 तक जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ था 155 के आसपास तो ये मुझे 170 लेवल के आसपास मिलेगा, तो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये स्टॉक को बाय करने में। अगर ये स्टॉक ने 138 लेवल ब्रेक कर दिया तो अगेन ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मार्केट जब भी गिरता है तो ये एक हमेशा मौका होता है, जो अच्छे स्टॉक्स है जो आप लोगों ने ब्रेकआउट में मिस किए थे उसको आप वापस से बाय कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा ना जो ब्रेकआउट हुए थे तभी अगर आप लोगों से मिस हुए हैं तो वो अभी आप ये वाले लेवल पे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये स्टॉक का ट्रेड मैंने पहले भी ट्विटर पे शेयर किया था, ये स्टॉक ने 124-125 लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट 2018 के बाद हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 154 लेवल तक गया था। वापस से ये स्टॉक अभी मार्केट के वीकनेस के वजह से वापस से अपने लेवल को रिटेस्ट करने आया है। तो मैं ये मौका आप लोगों को बोलूंगा कि आप ये मौका मिस मत करिए, अगर आपको ये स्टॉक 125 या 126 के आसपास मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। अभी इसका प्राइस 128 चल रहा है तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 155 है और उसके बाद 175 है। अगर ये स्टॉक वापस से 115 लेवल तोड़ देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, आप ये चीज ध्यान पे रखिए। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मार्केट में उसने मौका ही दिया है, उसका नाम है HDFC लिमिटेड। अगर आप HDFC लिमिटेड का चार्ट देखोगे तो इसने लाइफ टाइम हाई अभी रिसेंटली ब्रेक किया था, जो लेवल था समवेयर अराउंड 2500 का। अभी ये स्टॉक ने रिसेंटली ये लेवल को ब्रेक किया और वापस से वहां पे आके ये स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। तो अगेन ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2530 के आसपास। इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो मुझे 2700 और 3000 तक दिख रहा है।
आप अगर ये स्टॉक लेना चाहते हो तो ये 2300 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। हमारे लिस्ट में जो लास्ट स्टॉक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर आप लोगों को एक मौका दे रहा है तो आप लोगों को जरूर बाय करना चाहिए, उसका नाम है हिंद कॉपर लिमिटेड। अगर आप लोग इसका चार्ट देखोगे ना, मैं आप लोगों के साथ इसका मंथली चार्ट शेयर करता हूं। ये स्टॉक ने कुछ दिनों पहले एक अच्छा लेवल ब्रेक किया था जो 117 का था, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 165 लेवल तक चला गया था, फिर कंटिन्यूसली वो लोअर सर्किट मारते मारते नीचे आ गया। अगर अभी देखो आप वहां पे सेम वही हो रहा है कि ये स्टॉक वापस से उसके प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा ना, ये स्टॉक ने पहले एक ब्रेकआउट किया था 53 रुपीज के आसपास, आप यहाँ पे देखो उसने वापस से 53-54 लेवल को रीच किया, उसके बाद ये स्टॉक ने कितनी एक अच्छी रैली दे दी। तो अगेन वही वाली पैटर्न वापस से ये स्टॉक कर रहा है, ये स्टॉक वापस से अपने 117 लेवल को, जो मतलब इसका एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, उसको अभी इसने लास्ट वीक में रिसेंटली रीटेस्ट कर दिया है। अभी इसका प्राइस 125 चल रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक बाय करना है तो आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 160 एंड 200। अगर ये स्टॉक वापस से 100 रुपीज को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जनरली ऐसे मार्केट में मैं मौके ढूंढते रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में मैंने चांस मिस कर दिया था ब्रेकआउट के टाइम पे, उसको मैं अगेन बाय कर सकता हूँ। एंड बिलीव मी, ब्रेकआउट से ज्यादा अच्छा ट्रेड पुलबैक में होता है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैंने जो भी स्टॉक शेयर किए ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करना। और आप लोग भी मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि आप लोगों को आने वाले वीक में ऐसे कौन से दूसरे रिटेस्ट स्टॉक्स है या ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोगों को मिले हैं। अगर आप मेरे साथ वो चार्ट शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे वो चार्ट जरूर शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को एक क्लोज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं आरती ड्रग जैसे बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक कंटिन्यूअसली बेसिस पे अपडेट करते रहता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।